आइए आज हम सीखते हैं कुर्ते को डिज़ाइन करना। कुर्ते को डिज़ाइन करने के लिए हम कुर्ते के नेक और स्लीव्स में डिज़ाइनिंग करेंगे। तो मैंने अपने कुर्ते की कटिंग कर ली है। इस कुर्ते की कटिंग और कंप्लीट स्टिचिंग के लिए आप मेरी कुर्ता प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो इस कुर्ते की हमने कटिंग कर ली और हमने इसमें इस कपड़े की डोरियाँ बनाई है। ये देखिए, ये जो इसमें थोड़ा सा प्रिंट है उससे मैंने इसमें कलर का ये कपड़ा लिया है और उससे मैंने ये रेप कपड़े की कटिंग कर डोरी बना ली है। जब भी आपको किसी भी कपड़े की डोरी बनानी है तो आप इस तरह से कपड़ा लीजिए और उसको यहाँ से ऐसे कटिंग कीजिए। आप इसको थोड़ा इस तरह से नहीं करें और इस तरह से भी नहीं करें। आप कोशिश करें कि आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एकदम बराबर हो। इससे आपकी सही डोरी बनेगी और वह जल्दी सीधी भी हो जाएगी। मैंने इस तरह से कपड़े की कटिंग करके इसमें से मैंने अपनी ये एक एक इंच की क्रॉस पट्टियों को कट कर लिया है और इससे अब हम डोरी बना लेंगे। इसके बाद हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। पहले हम पेपर कैनवास पे अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो हमारी जो नेक की चौड़ाई नॉर्मली मैं 2.5 इंच रखती हूँ, तो इसमें मैं 3 इंच रखूँगी। क्योंकि इसमें डिज़ाइन कर रही हूँ इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा कट किया है, और आप चाहें अपनी चॉइस से इसको और बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे नेक की लंबाई 7 इंच है, तो मैं यहाँ से 7 इंच ले लूँगी। एक बॉक्स बनाकर इसमें हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम हर तरफ से 1-1 इंच लेकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस कैनवास की ये साइड और ये साइड दोनों साइड से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे एक्स्ट्रा कपड़े पर इसको इस तरह से रख कर इस पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अगर आपका चिपकाने वाला कैनवास है तो आप इसको प्रेस कर चिपका लीजिए और फिर हम इससे थोड़ा बाहर बाहर इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हमने इस कपड़े पे कैनवास को चिपका लिया है और प्रेस से, और हमने इसके बाहर यह कटिंग कर सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसके किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। यह सिलाई हमारे एक मार्क होगी, और अब आपको ये सिलाई पे आप इस तरह से टेलर चौक भी चला दीजिए ताकि आपको दिखाई अच्छे से दे, क्योंकि सेम कलर का धागा है तो वह दिखाई नहीं दे पा रही होगी। अब हम ये डोरी से लूप बनाएंगे, तो इस डोरी को ऐसे डबल फोल्ड कर पतली सी सिलाई लगा लेंगे। अब हम एक ऐसी बड़ी वाली सुई लेंगे और इसमें 4 बार हमने धागा डाला है, और अब हम इससे, आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसके यहाँ पे एकदम किनारे नहीं, थोड़ा सा आगे से इसे सुई में धागा सुई को डालना होगा इस डोरी में, और फिर यहाँ पर आप एक अच्छी सी गिठान बनाइए थोड़ी सी मजबूत, फिर आप सुई को उल्टा करके इस डोरी के अंदर डाल दीजिए। और इस तरह से हमारी ये डोरी सीधी करेंगे। इसके सीधी करने की एक ही ट्रिक है कि आप इसको बहुत इन 3 फिंगर्स में पकड़िए, थोड़ा सा दबाइए मत, थोड़ा हल्की सी लूज रखिए और फिर धीरे धीरे इसको खींचिए, तो ये आपकी आसानी से निकल आती है। अगर अच्छे से उरे पट्टी कटिंग होगी तो उसकी अच्छे से डोरी बनेगी। तो इस तरह से मैंने ये कई डोरियाँ बना ली है। अब मैं इनके इक्वली सबकी एक साथ रखकर यहाँ से बराबर रखूँगी और इनके लूप्स की कटिंग कर लूँगी। लूप्स की लंबाई मेरी इस तरह से रहेगी, ये देखिए, इसके
इस तरफ आना चाहिए। डबल करके हमें देखना होगा, तो हमें एक इंच हमारा ये है, तो हमें दो दो इंच के लूप कट करने होंगे। इस तरह से इंची टेप को रखिए और दो इंच का मार्क लगाकर आप लूप्स कटिंग कर लीजिए। अगर आपकी लूप्स इक्वल कटेंगे तो बनेंगे भी वह आपकी जो डिज़ाइन है वह भी बिल्कुल बराबर बनेगी। इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिए कि लूप आप एक जैसे कट करिए। अब हम इन लूप्स को लेंगे और इसमें जो ये जॉइंट वाला पार्ट है इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, जो हमने सिलाई लगा कर बनाया था इसको, और इसको लूप को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम ये थोड़ा नीचे लगाएंगे और लूप्स को भी हम थोड़ी सी डिस्टेंस पे लगाएंगे, एकदम इन दोनों को आपस में पास में नहीं रखेंगे, हल्का सा हम इसे दूर रखेंगे। और हमने जो ये टेलर चौक का मार्क लगाया उससे हम लूप की सिलाई को थोड़ा, लूप का जो सिलाई वाला पार्ट है उसको हम इस तरफ रखेंगे। इसी तरह से हम सारे लूप्स को यहाँ पर लगा लेंगे और अब हम एकदम पास से लूप्स को लगाएंगे। इस तरह से हमें पूरी गोलाई में अपने लूप्स को लगा लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से हमने इस पर ये पूरे पर नेक पर लगा दिए हैं और इसी तरह से हमने ये स्लीव्स पर भी लगा दिए हैं। आप कोशिश करिए कि आपकी डोरी सॉफ्ट ना बने, एकदम टाइट बने। उस जितनी टाइट डोरी बनेगी उतने अच्छे से आपके ये सेट होंगे इस गोलाई में। अब हम इसको साथ नेक को तैयार करेंगे, तो ये मैंने अपना फ्रंट वाला पार्ट लिया है और इसकी ये उल्टी साइड मैंने सेंटर निकाला है और यहाँ पर भी हमने एक कट लगाया है और अब हम इसकी ये सीधी साइड भी सेंटर निकाल लेंगे। ये हमारे बीच वाला पार्ट आ ही रहा है, बस हम इसके ऊपर एक टेलर चौक का मार्क कर देंगे और अब हम इस पर, ये सीधी साइड है, इस पर हम इसे उल्टा ऐसे रखेंगे। पहले हम ये कट से कट मिला लेंगे और फिर इस सेंटर लाइन से ये सेंटर लाइन मिला लेंगे और अब हर तरफ पिन लगाकर इसको सेट कर लेंगे। पहले आप सेंटर लाइन पर पिन लगा लीजिए और चाहें तो एक सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हम कैनवास पे जो हमारी सिलाई लगी है किनारे किनारे, हम इसके थोड़ी इस तरफ सिलाई लगाएंगे। अब हम इन पिंस को निकाल लेंगे और अब हम इससे थोड़ा बार बार इसकी ये दोनों कपड़ों की नेक की कटिंग कर लेंगे। और अब हम सिलाई के पास तक इसमें कट्स लगा देंगे, पूरे में हमें कट्स लगाने हैं और थोड़े पास पास हमारे कट लगेंगे क्योंकि ये गोल पोर्शन है तो इसमें अच्छे से फैलाव हो, इसलिए हमें पास पास कट लगाने होंगे। अब हम इसको इस तरफ टर्न कर लेंगे। पहले हम इसे ऐसे ही रखते हुए ऐसे टर्न करके ये जो हमारी पट्टी है इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरफ टर्न कर लेंगे तो ये इस तरह से हमारा नेक होगा और अब हम यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा ये नेक तो तैयार होगा और अब हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो हम स्लीव्स लेंगे, इसके लिए मैंने ये एक 1/4 इंच चौड़ी पट्टी कट की है और इसको मैंने यहाँ पर इसको रखकर, मैंने ये इतनी दूरी पर नहीं लगाया, मैंने सीरीज़ को पहले से डबल किया और जो हमारी सीरीज़ गोलाई का हाफ है वहाँ पर मैंने कट लगा दिए और उसके बाद मैंने ये
कर्व्स लगाए हैं डोरी के। और कर्व लगाने के लिए आप देखिए कि हमने बीच में गैप रखा है, और जब हमने दूसरी डोरी लगाना शुरू की तो उसको एकदम पास में रखिए, फिर गैप दिया है, फिर एकदम पास में रखिए, तो इस तरह से लगाने पे ही ये ऐसे सेट होगा। अब हम ये पट्टी लेंगे, इसको हम सीधी रखेंगे और यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, और हम ये हमारे कर्व्स की सिलाई है तो इस पर हम सिलाई मशीन चलाएंगे। जब आप ये पट्टी को इसके साथ लगाएं तो इसको खींच कर रखिए, उसकी वजह यह है कि अगर आप इसे लूज छोड़ेंगे तो यहां पर आपके शेल आ जाएंगे। अब हम इसमें भी ये पट्टी को ये साइड टर्न करेंगे और उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, तो ये भी कर्व्स हमारे इस तरह से आएंगे, और यहाँ पर भी हम इसको फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई कर लें और आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने कुर्ते को नेक पर और स्लीव्स पर डिज़ाइन देकर डिज़ाइनिंग करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोस के लिए, और प्लीज़ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।